हाय गाइस, मैं हूं गोपाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विल्सन टेक में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप फोन पे से आप किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे पैसा भेज सकते हैं बिना आपका वो फोन पे अगर चलाता है या नहीं चलाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आज भी अभी तक भी फोन पे को इतना समय हो चुका है लेकिन आज भी बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं भेज सकते। वो किसी ऑनलाइन शॉप पर जाते हैं और वो पेमेंट भेजते हैं और वो लोग चार्ज ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे पेमेंट भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले गाइस, हम अपना फ़ोन पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोन पे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखना कि टू मोबाइल नंबर से तो कोई भी पैसा भेज सकता है लेकिन आप बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा भेजते नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं। जितना आसान आप मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा भेज सकते हैं उतना ही आसान है टू बैंक उसके अकाउंट नंबर पर भी आप पेमेंट भेज सकते हैं। तो आप अकाउंट नंबर से पेमेंट कैसे भेजेंगे आज हम वो जानेंगे। तो आपको क्या करना है, टू जो बैंक यूपीआई आईडी वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप इसमें बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक में पेमेंट भेज सकते हैं। तो उस बैंक के लिए आपको उसका अकाउंट नंबर और उस पर्सन का नाम और उसका आईएफएससी कोड याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर दिखेगा आपको प्लस का आइकन। आप जैसे ही टैप करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तैयार रखना है। यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आप बैंक सर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से बैंक पर टैप करेंगे, उस बैंक का नाम यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको फटाफट से अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है आईएफएससी कोड अपनी जिस बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं उसी बैंक का आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पर एंटर कराना है। हमने जैसे ही आईएफएससी एंटर करा है बैंक का नाम यहाँ पर आ चुका है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा उसका ब्रांच कहाँ पर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट होल्डर नेम है वो वेरीफाई होके यहाँ पर आया है। पहले ये चीज़ नहीं था तो यहाँ पर पहले नहीं आता था। ये जो निकनेम है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहें तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए याददाश्त के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले आपको नाम चेक कर लेना है कि जिसका हमने अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है उसी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम ये चेक करके ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमने नाम वेरीफाई कर लिया है, इस अकाउंट नंबर से यही नाम आ रहा है। इसके बाद निकनेम को हम छोड़ देंगे और प्रोसीड टू पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही अमाउंट एंटर करेंगे यहाँ पर आपका जो बैंक है उस बैंक का नाम आ जाएगा। हमारा HDFC बैंक आ रहा है। यहाँ से हम पेमेंट पे करेंगे और आप इसी तरह जैसे मोबाइल नंबर से पेमेंट भेज सकते हैं सेम वैसे ही आप अपना UPI ID का पिन डालकर पेमेंट भेज सकते हैं।